अपने आप को आप म्यूट पे अनम्यूट कर लें एक बार। हाँ ओके, लेट मी डू इट फॉर यू, अनम्यूट एंड या यस। विजय भैया आवाज सुन रही है आपको? जी वेरी क्लियर, जय गुरुदेव। गुड जय गुरुदेव। हाँ विजय भैया को ध्यान से देखो आप। हाँ सी द स्माइल, इसलिए हम बोलते हैं विजय भैया को। हिसार में इनका नाम हमने रखा हुआ है, वो नाम है इनका चीफ स्माइलिंग ऑफिसर, राइट। स्माइली करते रहते सारा दिन। हाँ मार्केटिंग उनका प्रोफेशन है, और आपको पता है मार्केटिंग वालों को कितना स्ट्रेस रहता है ना, टारगेट्स वगैरह पूरे करने पड़ते हैं, सो मेनी थिंग्स। बट उनके चेहरे पे कोई शिकन नहीं आती, और ऐसा नहीं कि वो केवल आपको देखने के लिए मुस्कुरा रहे हैं, नो वो हमेशा ऐसे ही रहते हैं, ये उनका स्वभाव है, राइट। आर्ट ऑफ लिविंग के सीनियर टीचर हैं बहुत। हाँ और वो आज आपको क्या है, सूक्ष्म योगा कराएंगे। हाँ जो भारती जी ने कल कराया था, तो स्टार्टिंग मैं कर देता हूँ। हाँ और उसके बाद विजय भैया कंटिन्यू करेंगे। तो यस लेट्स स्टार्ट। मेरा मैच विजिबल है आपको? हाँ मैं ज़ूम कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी सेटिंग इसकी ऐसी की हुई है ज़ूम की। विजय भैया आपको मैंने अनम्यूट किया हुआ है, मैच दिख रहा है पूरा अच्छे से? ओके जी भैया, राइट, चलिए बैठ जाते हैं। ओके फाइन, आराम से बैठ जाएं। को सीधा रखें, चेहरे पर एक सुंदर सी मुस्कुराहट। तीन बार ओम नाम के उच्चारण के लिए सांस भरेंगे। धीरे धीरे अपने मन को वर्तमान क्षण में लेके आएंगे। और धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं, वज्रासन में आ जाएं, कमी का वज्रासन, भस्त्रिका के लिए पोजीशन ले लें, हल्की मुट्ठी बंद कंधों के सामने, चेहरे पर एक सुंदर सी मुस्कुराहट, आंखें बंद रख के करेंगे। पहले एक साधारण सांस अंदर लें, जाने दें, एक और साधारण सांस अंदर लें, और खाली कर दें। भस्त्रिका के लिए जब हम करते हैं, जब हम ब्रीथ इन करेंगे तो आपके हाथ ऊपर और ये मुट्ठी खुल जाएंगी और सांस अंदर, और जब काउंटिंग टू यानी वन, तो
हाथ नीचे वापस मुट्ठी पर। भस्त्रिका के लिए पूरे जोश और उत्साह के साथ ब्रीद इन वन इन टू इन थ्री इन फोर इन फाइव इन सिक्स अपने आप घुटनों पे विश्राम करती हुई फील द फ्लो ऑफ एनर्जी इन द बॉडी। सेकेंड राउंड ऑफ भस्त्रिका, हल्की मुट्ठी बंद, कंधों के सामने इन पोजीशन, चेहरे पर मुस्कुराहट, एक साधारण सांस अंदर लें और एक और साधारण सांस अंदर लें और खाली कर दें। भस्त्रिका के लिए ब्रीद इन वन इन टू इन थ्री अपने आप विश्राम करें। फील द गश ऑफ एनर्जी इन द एंटायर बॉडी। लास्ट एंड फाइनल राउंड ऑफ भस्त्रिका, चेहरे पर एक सुंदर सी मुस्कुराहट, एक साधारण सांस अंदर लें और जाने दें, एक साधारण सांस अंदर लें और जाने दें। भस्त्रिका के लिए ब्रीद इन वन इन टू इन थ्री अपने आप
एंड रिलैक्स। दोनों हथेलियां घुटनों पर आसमान की ओर उठी हुई। फील द फ्लो ऑफ एनर्जी इन द एंटायर बॉडी। और धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। और जहां भी है वहीं पे आराम से खड़े हो जाएंगे। ओवर टू यू विजय भैया। यस 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 भैया। ओके खाली ना खड़े रहे, पैर को हिलाते रहे हाथों को विजय भैया जब तक फॉर्म में आप क्या है सर। जी भैया दिखाई दे रहा है मेरे। हाँ जी भैया ठीक है, काम चल जाएगा। प्लीज स्टार्ट। ओके लेट्स स्टार्ट। मुस्कुराते अपना पैर दाया हाथ ऊपर करते हैं। Start. Stretch your right hand. आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी भैया बिल्कुल परफेक्ट। ओके हर श्वास के साथ थोड़ा सा और ऊपर खींचते हैं इसको। लेकिन वीडियो में आप नहीं आ रहे हो भैया। मेरे इसके आप लैपटॉप वाला कर रहे हो? आप विजिबल नहीं, आवाज आ रही है केवल आपकी। जी हाँ अभी आप साइड में हो थोड़ा सा। बिल्कुल एक बार नीचे बैठो भैया, नीचे बैठ जाइए, एक बार नीचे बैठ जाइए और लेफ्ट साइड को घूम जाइए, लेफ्ट साइड को मेरी तरफ। हाँ ये अब ये पोजीशन है आपकी। हाँ इसमें करा दीजिए। हाँ दिस इज द पोजीशन। यस हाँ जी राइट हैंड को ऊपर करते हैं पूरा अच्छे से स्ट्रेच कर हर आती और जाती श्वास के साथ और थोड़ा सा ऊपर। चेहरे पे मुस्कुराहट रखना ना भूलें और श्वास भरें। धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए वापस आ जाएं। बाया हाथ ऊपर लेफ्ट हैंड आप हर श्वास के साथ इसे भी थोड़ा सा और ऊपर खींचते हैं। मुस्कुराहट बनी रहे थोड़ा और ऊपर। ब्रीद इन स्ट्रेच लिटिल मोर ब्रीद आउट लिटिल मोर एंड रिलैक्स। नेक को रोटेट करेंगे लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट। दाएं से बाएं और बाएं से दाएं। अगर आप आंखें खुली रखते हुए करें और अपने कान को देखने की कोशिश करें जिस तरफ हमारी गर्दन जा रही है उसी साइड, तो एक साथ में हम आईज की रोटेशन भी कर लेंगे और नेक के भी। रिलैक्स। अब दाएं कान को दाएं कंधे की तरफ लेके आए, आंखें ऊपर की तरफ, आंखें खुली रखेंगे जिससे हम दो काम एक साथ कर देंगे, आंखों की भी और नेक की भी रोटेशन होती रहेगी। जिस तरफ जाए कान को उस कंधे से लगाने की कोशिश करें, कंधा अपनी जगह पर स्थित है उसे मूव न करें। Don't forget to smile.
रिलैक्स, आगे और पीछे, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए ठोड़ी को छाती तक लेकर आए। ब्रीद इन, गो बैक, ब्रीद आउट, कम डाउन। एक बार फिर करते हैं एंड रिलैक्स। यहीं से गर्दन को रोटेट करेंगे, आधा सर्कल श्वास भरते हम दाएं तरफ से ऊपर जाएंगे और बाएं तरफ से नीचे। यदि आपको चक्कर नहीं आते हैं तो आंखें खुली रखें, और आंखें खोलने से अगर महसूस हो रहा है चक्कर आ रहे हैं तो आंखों को बंद कर सकते हैं। गर्दन के साथ आंखों को भी रोटेट करते रहें नीचे से ऊपर। राउंड पूरा होने के बाद विश्राम, अपोजिट डायरेक्शन, लेफ्ट टू राइट। एंड रिलैक्स, विश्राम करें, आंखें बंद रखते हुए विश्राम करें। दोनों हाथ अपने कान के पास लेकर आते हैं। आप बैठ सकते हैं अगर आपको दिखे, ये आसन हम बैठ के भी कर सकते हैं। दोनों हाथों से अपने कान को नीचे से पकड़ें और थोड़ा थोड़ा नीचे की तरफ खींचते हुए जाते हैं कान के ऊपरी सिरे तक। इससे पहले कि कोई हमारे कान खींचे, हम खुद खींच लेते। अब इनको ऊपर से नीचे ऐसे करेंगे, रोटेट करेंगे ऊपर से नीचे। मन में जो भी बदलाव हो रहा है या जो भी भावनाएं हैं उनके प्रति सजग रहें। अब नीचे से ऊपर की तरफ रोटेट करते हैं इनको। रिलैक्स, दोनों हाथों को कान के पास, ये वाला पोस्चर जो है हथेली का नीचे का सिरा, इससे कान को दबाएंगे और एक भंवरे की आवाज निकालेंगे करते हुए। इसको मसाज भी करेंगे। एंड रिलैक्स, विश्राम करें, आंखें बंद रखते हुए मन में जो बदलाव हो रहे हैं उनके प्रति सजग हो जाएं। पूरा ध्यान शरीर और मन पर ले जाएं। धीरे से आंखें खोलें और दोनों हाथों को शरीर के बगल में खोल दें।
पैरेलल टू द शोल्डर, कंधों के बराबर, उंगलियां ऊपर की ओर, हथेलियां बाहर की तरफ खींचे, उंगलियों को अंदर की तरफ टाइट रखें और मुस्कुराते हुए कंधे को ऊपर से नीचे घुमाएं। इस आसन का सबसे बड़ा असर हमारे होठों पे पड़ता है। जितना ज्यादा हम इसको स्ट्रेच करेंगे उतनी हमारी स्माइल बड़ी हो जाएगी। अगर आपके कंधों के आसपास कुछ प्यार भरा हो तो मुस्कुरा सकते हैं ताकि मुझे पता चले कि आप परफेक्शन के साथ कर रहे हैं। ऑपोजिट डायरेक्शन, यहीं पे हाथों को रखते हुए रिलैक्स करेंगे एंड से टाटा, दोनों हथेलियों को ऊपर नीचे मूव करें। उमेश भैया आपकी स्माइल को चेक कर रहे हैं, जब तक स्माइल नहीं आती तब तक करना है बस हमें ये। जैसे ही आपकी स्माइल आएगी हम विश्राम में चले जाएंगे। आगे भैया अनीता जी स्माइल करो ना, कंटिन्यू करेंगे फिर हम। सुभाष जी स्माइल करो। चलो जब तक स्माइल नहीं आती तब तक सामने हाथों को ले आते हैं अपने, गर्दन ऊपर सामने, स्माइल विजिबल नहीं है नीतिका की। ओके कोई बात नहीं, आ जाएगी अपनी स्माइल का है। विशाल जी स्माइल प्यारी सी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। सब लोग अपने कलीग से रिक्वेस्ट करते स्माइल आ जा नीचे की तरफ, स्माइल आ जा, बोल भी सकते हैं आप, स्माइल आ जा, स्माइल आ जा, स्माइल आ जा, स्माइल आ जा। आ गई क्या, यस और नो? आ गई तो उसको पकड़ ले, टाइट मुट्ठी बंद कर ले, स्माइल को टाइट मुट्ठी बंद कर ले और रोटेट करें इनको। वेरी गुड, टाइट रखना है, मुट्ठी से चली ना जाए स्माइल। एंड रिलैक्स, विश्राम करें, हाथों को नीचे लटका दें, ढीला छोड़ दें, घुटनों पे नहीं रखेंगे। एंड फील द फ्लो ऑफ एनर्जी शरीर में, कंधों से लेकर उंगलियों के आखिरी सिरे तक ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करते रहें। आंखें बंद रख के करें, रिलैक्स, विश्राम। अब अपनी गर्दन को एक बार मूवमेंट करके देखें, चेक करें इसमें कुछ फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ी है क्या। रिलैक्स, यस और नो? आप अपना थंब रेज कर सकते हैं अगर हुआ है तो। ओके, धीरे से अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं अगर बैठे हैं तो, जो लोग खड़े हैं वो खड़े होकर करें। दोनों पैरों को कंधों के बराबर खोल लें। पहले अपना थोड़ा सा राइट साइड मूव करें, लेफ्ट राइट लेफ्ट, और यहीं से गोल गोल घुमाएं अपनी कमर को। आधा सर्कल उज्जयी श्वास लेंगे और आधा सर्कल उज्जयी श्वास छोड़ेंगे। विपरीत दिशा में, ऑपोजिट डायरेक्शन, मुस्कुराहट चली जाएगी फिर हमें कंटिन्यू करना पड़ेगा। रिलैक्स, विश्राम करें। थोड़ा सा अपने दाएं पांव को दाएं तरफ सीधा करें, मोड़ें, चाहे तो किसी दीवार का, किसी का सहारा ले सकते हैं। लेफ्ट को लेफ्ट साइड, अप एंड डाउन,
राइट पांव को ऊपर उठाएं, नीचे करें घुटनों को, पैर के पंजे को एडी को सीधा रखें, लेफ्ट लेग रिलैक्स, दोनों पांव एक साथ, इजी है ऐसे बस सिंपल, अप एंड डाउन गुड। अगर कोई मेडिकल एडवाइस किसी को है तो नी बेंड न करें, बाकी सब लोग करें। रिलैक्स, विश्राम करें, अपना दायां पांव सामने लेकर आएं, पंजों को ऊपर नीचे, रोटेट करें, वापस पांव की उंगलियां चलाएं, सीधा करें, खोलें बंद करें, रिलैक्स, लेफ्ट लेग पहले हिलाएं थोड़ा सा ऊपर नीचे, रोटेट करें, घुमाएं एड़ियों को, वापस अप एंड डाउन, उंगलियां टाइट करें ढीली छोड़ें, एंड रिलैक्स विश्राम करें। सिर से लेकर पांव तक एक बार अपने शरीर की यात्रा करते हैं, जो भी शरीर और मन में बदलाव हुआ है उसे देखते हैं बंद आंखों से, जहां कहीं दर्द है उस पर ध्यान ले जाएं। एक लंबी गहरी सांस करें, सांस को छोड़ते छोड़ते पूरे शरीर को विश्राम करें। वन मोर डीप ब्रेथ इन, होल्ड द ब्रेथ और मुंह से श्वास को खाली करें, एक और श्वास भरें, श्वास को रोकें, मुट्ठियां टाइट बंद करें, पैरों को टाइट करें, पूरे शरीर को टाइट 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 और टाइट, पैरों को, थाइस को, हिप्स को, कमर को, शोल्डर्स को, पूरे शरीर को टाइट करें और श्वास को खाली करें, शरीर को ढीला छोड़ दें, एंड रिलैक्स विश्राम करें। ओके, अपने पंजों को चलाएं, एक बार एडी पर एक बार पंजों पर, ओके भैया, कीप स्माइलिंग, रिलैक्स कर दोनों पैरों को, बस एक स्ट्रेच और करेंगे, पांव को कंधों के बराबर खोल लें, थोड़ा सा और पांव में फासला, अपना दायां हाथ ऊपर उठाते हैं, राइट हैंड अप, लेफ्ट हैंड लेफ्ट थाई के साथ
और थोड़ा सा बैंड होते हैं अपने लेफ्ट साइड में, सांस को छोड़ते जाते हैं, जितना आप कर सकते हैं उससे थोड़ा सा ज्यादा करना है, लिटल मोर, अपने शरीर की क्षमताओं के हिसाब से करेंगे। जितना आप नीचे जा सकते हैं जाएं, धीरे धीरे वापस आ जाए। लेफ्ट हैंड अप, भगवान ने एक के साथ एक फ्री दिया है हमें, मुस्कुराते हुए करेंगे तो और अच्छा लगेगा। श्वास भरें और श्वास को छोड़ते हुए अपने राइट साइड चलते हैं, जितना आप बेंड हो सकते हैं उतना करें, कोशिश जरूर करें आगे जाने की। धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस एंड रिलैक्स, विश्राम करें। ओवर टू उमेश भैया। ओह एक्सीलेंट भैया, वेरी गुड। विजय भैया के लिए जोरदार ताली अपने अपनी जगह पे बजा सकते हैं। वेरी गुड, राइट, ओके। एक बार चलना शुरू करें, थोड़ा सा जॉगिंग, अपनी बॉडी को सूर्य नमस्कार के लिए तैयार करेंगे। पूरे एक एक पार्ट को हिला दें, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। रिलैक्स करें, रिलैक्स करेंगे, ओके। सूर्य नमस्कार के लिए तैयार हो जाते हैं। कल आपने बहुत अच्छे से किया था उसको, ओके। अगर मैट है तो उसकी बिल्कुल थोड़ा सा आप फ्रंट में आ जाएं, दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला। आप अगर कल के स्टेप याद नहीं है तो पहला स्टेप आप एक बार देख सकते हैं, आंखें खोल के पहला राउंड आप देख सकते हैं, उसके बाद फिर आप आंखें बंद करके करेंगे। इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट ऑल द स्टेप्स तो कोई बात नहीं, आप आंखें खोल के करें। और इसका कल मैंने आपको बताया था, जिनको बीपी या कमर की दिक्कत है वो फ्रंट फॉरवर्ड बेंडिंग ना करें, राइट, ओके। सांस भरें, नमस्ते, एक, किसी भी स्टेप पे सांस को रोकना नहीं है, वो चलता रहेगा। दो, सांस अंदर, पीछे, सांस लेते रहें, छोड़ते रहें, पीछे की तरफ झुक जाएं। तीन, फॉरवर्ड बैंड, कमर से सीधा हो जाएं, पैरों को टच करें, चार, दाएं पैर पीछे, सांस लेते रहें, छोड़ते रहें, स्ट्रेच करें बॉडी को पूरा। आपका बायां पैर जो है वो दोनों हाथों के बीच में है, पांच, दोनों पैर पीछे, बॉडी ने स्ट्रेट लाइन, सांस छोड़ते छोड़ते अष्टांग नमस्कार, केवल उंगला जमीन से ऊपर उठा हुआ, बाकी सारे पार्ट जमीन को टच करते हुए। भुजंगासन, नाभि तक जमीन को ऊपर उठा दें, दोनों हाथों से गर्दन को को नीचे ही रखें, नीचे की तरफ, उनको भी ऊपर ना उठाएं। चेहरे पर मुस्कुराहट, और सांस छोड़ते छोड़ते
गर्दन अपने शरीर को ऊपर उठा दें, देख सकते हैं चाहे तो दोनों आपके हाथों के बीच में आपका सिर है, दोनों पीछे पैरों को थोड़ा सा आगे ला सकते हैं और तलवों को यानी हील्स को जमीन को टच कराने का प्रयास करें। सांस भरते भरते दाया पैर आगे, चेन को मुस्कुराते रहे, सांस लेते रहे छोड़ते रहे। और सांस छोड़ते छोड़ते दोनों पैर आगे, अपने गर्दन को घुटनों से लगाने का प्रयास करें, चाहे तो घुटनों को थोड़ा सा मोड़ सकते हैं। सांस भरते भरते सामने से उठ जाए दोनों हाथ ऊपर करके, एंड रिलैक्स। पूरा 100% करेंगे, दूसरी तरफ से नमस्ते, एक ब्रीद इन दोनों हाथ पीछे, ब्रीद आउट फॉरवर्ड बेंड, तीन बायां पैर पीछे अब की बार, दोनों पैर पीछे, बॉडी इन स्ट्रेट लाइन, दंडासन। छह अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, दोनों हाथों से अपने नाभि तक के शरीर को ऊपर उठा दें, बंद आंखों से आसमान को देखें। एक से काला सांप अपना फन उठाता है, बट वी आर स्माइलिंग कोब्रास, स्माइल। जब तक आप स्माइल नहीं करेंगे इसी पोजीशन में रहेंगे एक घंटा। और सांस छोड़ते छोड़ते पर्वतासन, जस्ट लाइक ए ट्रायंगल, अब बायां पैर आगे, दूसरा पैर बिल्कुल जमीन से लगा हुआ, पेल्विस को स्ट्रेच करें आगे की तरफ, दोनों पैर आगे, सांस भरते भरते कमर से बिल्कुल सीधा, एंड रिलैक्स। ये हमने एक सेट किया, एक सेट में दो राउंड होते हैं, एक राउंड और करेंगे हम, लेकिन थोड़ा सा जल्दी करेंगे, राइट। इसमें मैं सिर्फ आपको काउंट बोलूंगा एंड आप अपने हिसाब से करते जाइए, चाहे तो देख सकते हैं। एक नमस्ते, दो पीछे, तीन नीचे सामने, चार दाएं पैर पीछे,
पांच, दोनों पैर पीछे, छह अष्टांग नमस्कार, सात भुजंगासन, आठ पर्वतासन, नौ दाएं पैर आगे, दस दोनों पैर, ग्यारह ऊपर, बारह रिलैक्स, एक दो गर्दन पीछे, तीन फॉरवर्ड बेंड, चार बाएं पैर पीछे, पांच दोनों पैर पीछे, छह अष्टांग नमस्कार, सात भुजंगासन, आठ पर्वतासन, नौ बाया पैर आगे, दस दोनों पैर आगे, ग्यारह सामने से ऊपर, बारह रिलैक्स, एक और राउंड लास्ट, नमस्ते, एक दो तीन सामने झुक जाए, चार दाएं पैर पीछे, पांच बाएं पैर पीछे दोनों तरफ, छह अष्टांग नमस्कार, सात भुजंगासन, आठ पर्वतासन, नौ दाएं पैर आगे, दस दोनों पैर आगे, ग्यारह ऊपर एंड साइड में रिलैक्स, नमस्ते, दो पीछे, तीन आगे, बाएं पैर पीछे चार, दो पैर पीछे पांच, अष्टांग नमस्कार छह, भुजंगासन सात, पर्वतासन आठ, बाएं पैर आगे नौ, दोनों पैर आगे दस, ऊपर ग्यारह एंड साइड से रिलैक्स, जहां भी है वहीं पे आराम से पहले बैठ जाएं, फिर आराम से लेट जाएं अपनी जगह, लाई डाउन ऑन योर बैक एंड रिलैक्स, पूरा विश्राम करें। पूरा विश्राम, कंप्लीट रेस्ट,
धीरे से दाईं तरफ करवट ले ली, आंखें बंद ही रखी, दाएं हाथ को मोड़ के गर्दन के या सिर के नीचे लगा सकते हैं और विश्राम करें। आपका सहारे लेकर उठकर बैठ जाएं, आंखें बंद ही रखें। यहां से हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे। आपका बायां हाथ का फर्स्ट फिंगर यानी इंडेक्स फिंगर और अंगूठे का फ्रंट पोर्शन को टच कर दें और उसे लेफ्ट के घुटने पर रख दें, राइट। दोनों उंगलियां आपस में मिली हुई और दाएं हाथ को उठाएं और दाएं हाथ की पहली दो उंगलियों को आईब्रोज के बीच में, अंगूठा आपके राइट नॉस्ट्रल पे और आपके रिंग फिंगर लेफ्ट नॉस्ट्रल पे। सांस भरें और बाईं तरफ से सांस को खाली कर दें, अंगूठे को दबाएं और बाईं तरफ से सांस छोड़ दें। अब बाईं तरफ से ब्रीद इन और राइट साइड से खाली कर दें। ब्रीद इन फ्रॉम द राइट साइड, जहां से छोड़ा था वहीं से अंदर। और अंगूठे को राइट साइड पे दाग के लेफ्ट साइड से सांस बाहर कर दें। अपनी स्पीड के अनुसार करते रहें, जल्दबाजी नहीं करें। गहरा सांस इतना कि जो आपको भी आपकी आवाज सुनाई ना दे, मन पूरा वर्तमान में। लंबे और गहरे सांस।
और जब राउंड पूरा हो जाए तो ब्रीद आउट फ्रॉम द लेफ्ट नॉस्ट्रिल एंड रिलैक्स. आंखें बंद हैं, कमर सीधी. अब हम यहां से छोटा सा एक ध्यान करेंगे. ध्यान का एक नियम है कि उसमें आपकी कमर सीधी रहे, आंखें बंद हो और हमें तीन पॉइंट्स ध्यान रखने हैं कि मैं कुछ भी नहीं हूं, मुझे कुछ भी नहीं आता और मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं. किसी भी एक चीज पे कंसंट्रेट ना करें, चीजों से ध्यान हटाने का नाम ही ध्यान है. हम शुरू करते हैं. एक साधारण गहरा सांस अंदर लें और आहिस्ता आहिस्ता खाली कर दें. वन मोर डीप ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट. Keep a smile on the face. अपने मन में उठ रहे विचारों को देखें. Become aware about the thoughts in your mind. और अपने दोनों आंखों के नीचे एक काल्पनिक टोकरी बना लें. दो टोकरियां हो गई. अपने विचारों को देखें. अगर वो भूतकाल यानी पास्ट के विचार हैं तो उन्हें लेफ्ट बास्केट में डाल दें और अगर वो फ्यूचर के विचार हैं देन उन्हें राइट बास्केट में डाल दें. कीप स्माइलिंग. कुछ देर में विचार या तो खत्म हो जाएंगे या बहुत ही कम हो जाएंगे, लेकिन फिर भी आप उन्हें वेलकम करें, नए विचारों को आने दें और उन्हें अपनी अपनी जगह पे रखते जाएं और सेंटर में रिलैक्स करते जाएं.
धीरे धीरे शरीर और वातावरण के प्रति सजग हो जाएं। अपने आसपास के एनवायरनमेंट और रूम के प्रति सजग हो जाएं। और धीरे धीरे जब भी आप चाहें अपनी आंखें खोल सकते हैं। बढ़िया रहा। कितने लोगों को बोलने का मन नहीं है? ओके। कितने लोगों का आंखें खोलने को मन नहीं था? मैनी। देखिए वैसे हमारी आंखें बंद होती नहीं, हाँ, और जब हमें राइट कंडीशन मिलती है ना, जब हमें, तो हमारी आंखें खोलने का मन नहीं करता। इसका मतलब ये है हम में से सभी लोग योगासन, ध्यान, प्राणायाम, मेडिटेशन अच्छे से कर सकते हैं। ये सुनो, आप ये नहीं सोचेंगे नहीं नहीं मुझे तो, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैंने कभी किया नहीं, नहीं ऐसा ऐसा। मेडिटेशन में बताया था ना, जज कभी नहीं करते। आप जानते नहीं आप क्या हो, राइट? आपके अंदर क्या छुपा हुआ है ये आप जानते नहीं हो अभी। तो जो आपके अंदर छिपा है, बिकॉज आप विनर हो, ये बात हम शुरू से मानते आए हैं, है ना, वी आर ऑल विनर्स। लेकिन विनर वो कहाँ है? वो छुपा बैठा है अंदर, हाँ, उसको हमने ही रोक रखा है। नहीं मैं कर नहीं सकता, मेरे से शायद होगा नहीं। मेडिटेशन तो बहुत बड़ी चीज है। समाधि में हम कहाँ जा सकते हैं? हम समाधि के वो नहीं है, एलिजिबल नहीं है, राइट? मुझे ये बात बताइए, जब आप ये मेडिटेशन कर रहे थे, कितने लोगों के अंदर विचार कम हो गए थे? शुरू शुरू में तो देखा हो विचार काफी थे, फिर उनको अपनी अपनी जगह पे डालते गए, तो विचार बाद में कम होते गए। यस, कितने लोगों का एक्सपीरियंस है? ओके। और कितने लोगों का एक्सपीरियंस ये है कि बाद में विचारों को वेलकम किया लेकिन वो आ ही नहीं रहे हैं? हाँ, वो आ ही नहीं रहे हैं, हम वेलकम कर रहे हैं बट दे आर नॉट कमिंग, इजंट इट? ठीक है ना, दिस इज समाधि, दिस इज समाधि। जब विचार कम हो जाए, राइट, तो मतलब वो समाधि की इनिशियल स्टेज है। और जब विचार ऑलमोस्ट जीरो हो जाए, दैट इज समाधि। अब वो अनुभव गहरा होता जाएगा, दैट इज अनदर थिंग, है ना। इसलिए मेडिटेशन में या किसी भी प्रैक्टिस में आपको पता है कि टाइम लगाना पड़ता है। हाँ, एक तत्व अभ्यासा, प्रैक्टिस वन एलिमेंट, दीर्घ काल यानी लंबे समय तक। यस नो? और जिन लोगों के विचार कम हो गए थे, उनके पास भी तो ऐसा कोई मोमेंट आया होगा जब विचार बिल्कुल खत्म हो गए होंगे, कुछ मिली सेकेंड्स के लिए, हाँ, या एक सेकंड के लिए, दो सेकंड के लिए, यस और नो, आया होगा। दैट इज समाधि। इसलिए फिर आप मुझे व्हाट्सएप क्यों करते हो कि सब हम समाधि में नहीं जा पाएंगे, हम तो जा ही नहीं सकते। आप वो काम कर रहे हो, बस उसके प्रति हमें अवेयरनेस बाकी है, है ना, अवेयरनेस जरूरी है, राइट? क्योंकि कई बार चीजें चलती रहती हैं, होती रहती हैं, हमें पता ही नहीं होता, बिकॉज वी आर नॉट अवेयर। और जब तक आप अवेयर नहीं होंगे, तब तक ये चीजें घटती रहेंगी और आपको बेनिफिट नहीं देंगी। आपका मन हमेशा इसमें रहेगा, नहीं मैं तो नहीं कर सकता, मैं तो नहीं कर सकता समाधि, मैं तो जा ही नहीं सकता। समाधि तो बहुत बड़ी चीज है, हम गृहस्थियों के लिए, संसारिक लोगों के लिए नहीं बनी है।
तो ना तो आप चोला पहन के और संसार छोड़ के जाओ हिमालय में, ना आपको समाधि का अनुभव हो, नहीं ऐसा नहीं। ऐसा होता तो पतंजलि बोल देते कि लास्ट समाधि है, ये तुम्हारे बस की नहीं है, राइट। इसके लिए चोला पहनना पड़ेगा, कमंडल उठाना पड़ेगा और बहुत दूर जाना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। संत की डेफिनेशन वो है जो हमारे सामने अभी बैठे हुए हैं, मेरे सामने जो बैठे हुए ना ये सारे संत हैं। गृहस्थ में रह के संत बनना है, राइट, छोड़ के नहीं जाना है कहीं। तो ये कुछ कुछ मिस इंटरप्रिटेशन समाज में प्रचलित हो गई है ना, और हम उसको मानते आ रहे हैं। यस नो, आप पूरी तरह से क्वालिफाइड हैं हर चीज के लिए, चाहे आप बीमार हो, चाहे आप का मन एक जगह ना टिकता हो, चाहे आप को विचार आते हो, या आपके चाहे बैक में प्रॉब्लम हो या आपके कंधे में दिक्कत हो, आप हर दशा में एलिजिबल हैं योगा करने के लिए और समाधि में जाने के लिए। जो भी आपकी दिक्कत है, मान लीजिए बैक की दिक्कत है जो कि मैक्सिमम लोगों को आज के दिन रहती है, यू डोंट डू फॉरवर्ड बेंड, राइट। बाकी सारे आसन आपके लिए, आप करो आराम से, कौन मना करता है, यस नो, ठीक है ना। इसीलिए ऐसा बोलते हैं कि कभी भी YouTube वगैरह से आसन मत सीखो, क्योंकि वो वहां से आपको मिस गाइडेंस ही मिलेगी, ठीक है ना। पहला आपका इनिशिएशन योगा में, मेडिटेशन में, टीचर के थ्रू होना चाहिए, राइट, YouTube के थ्रू नहीं। इसलिए लोग अपनी खराब कर देते हैं अपनी लाइफ को, बाप रे, पांच पांच साल, सात सात साल YouTube से सीख के, और बाद में वो इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं, गलत तरीके से एक्सपर्ट हो जाते हैं कि फिर और किसी की सुनते नहीं, मन उनको छोड़ने का करता नहीं कि YouTube, क्योंकि पांच साल लगाए हैं कैसे छोड़ दें, isn't it? इतना टाइम इन्वेस्ट किया, इतना वो। पतंजलि खुद कहते हैं एक टीचर को तलाश करो, एक गुरु को तलाश करो, राइट। और जब भी आपके मन में भाव आएगा ना कि हाँ गुरु होना चाहिए, फटाक से आपको पता चल जाएगा तुम्हारा गुरु कौन है, कौन हो सकता है, ठीक है ना। हाँ, गुरु ही आपके चेहरे पे स्माइल डाल सकता है, हमारे खुद के अंदर इतनी वो नहीं है, राइट, क्योंकि हमारे अंदर ये तो काबिलियत है कि हम स्माइल कैसे ला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं रोज शाम को जब भी सोता हूं, जैसे रात को, तो पांच मिनट पहले दिन में जो जो भी हुआ है मेरे साथ, अच्छा, बुरा, न्यूट्रल, व्हाटएवर, सब कुछ मैं अपने गुरु को ट्रांसफर कर देता हूं माइंड से। और उसमें पांच मिनट नहीं लगते, उसमें 30 सेकंड्स में हो जाता है, 40 सेकंड्स में हो जाता है। मैं बोलता हूं भाई ये है पूरे दिन का, इसमें मेरे को जो प्रशंसा मिली वो भी तू रख ले, जो जो क्रिटिसिज्म मिला वो भी तेरे हवाले, और जो चीजें नॉर्मल वे से हुई है वो भी तेरे को समर्पित। तो गुरु तू भी सो और मुझे भी सोने दे आराम से, यस नो, एंड देन स्माइल कम्स ऑन योर फेस, ठीक है ना, वेरी गुड। तो बस अभी मैं खत्म करता हूँ, लास्ट एक 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 दो बातें बोल के। ये हमारे कोई अच्छे कर्म हैं जो हम लोगों ने ये 5-6 दिन का कोर्स किया है, राइट, और आप इस मेडिटेशन का अनुभव कर पाए, योगा का अनुभव कर पाए, राइट। मैंने बताया था पुराना कुछ प्रारब्ध है आपका, अच्छे कर्म है, वरना तो बहुत सारे आपके फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे कलीग्स हैं जो ज्वाइन कर सकते थे लेकिन नहीं कर पाए, यस नो, नहीं किया उन्होंने, प्रारब्ध नहीं है, राइट। इसलिए आपका प्रारब्ध आपके सामने है अभी, और इस प्रारब्ध को जैसे मैंने कल बताया था, इसको छोड़ना मत, राइट। ऐसा नहीं है कि भी अभी आपने सुबह सीख लिया ये वाला और अब आप इसको करने लग जाओगे, राइट। ये तो टीचर जैसे जैसे बोलता गया आप करते गए, राइट। मैंने बताया टीचर की रिक्वायरमेंट है,
प्रोफेशनली आपको योग सीखना पड़ेगा, और आप अगर और ज्यादा गहरी समाधि का अनुभव करना चाहते हैं, सुदर्शन क्रिया इज द बेस्ट फॉर इट, राइट? तो कल मैंने आपको लिंक शेयर किया था आपके ग्रुप में, यू मस्ट डू दैट कोर्स, राइट? एंड देन यू विल रियलाइज व्हाट आर द अल्टीमेट पॉसिबिलिटीज इन लाइफ, राइट? असली स्माइल अंदर से, हाँ, एकदम जो होता है परमानेंट, और वो किसी परिस्थिति से भिन्न, यानी अनकंडीशनल स्माइल, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, दुनिया आपके पीछे पड़े, चाहे चाहे सारे के सारे आपको उल्टा सीधा बोलें, आपको ब्लेम करें, बट स्टिल यू आर स्माइलिंग, ठीक है ना? तो वो सुदर्शन क्रिया आपको दो चीजें देगी, एक स्माइल देगी, वो दो काम करेगी, राइट? एक स्माइल देगी आपको हर प्रॉब्लम में खुश रहने के लिए, स्माइल करने के लिए, राइट? और दूसरा स्माइल का फंक्शन ये है कि वो आपको साइलेंस में लेके जाएगी, हाँ, ताकि प्रॉब्लम्स अवॉइड हो सके, नई प्रॉब्लम क्रिएट ही ना हो, राइट? समझ में आया? समस्या है तो वो आपको स्माइल दे देगी सुदर्शन क्रिया, राइट? और आपको साइलेंस में डाल देगी, यानी मौन में ले जाएगी, ताकि नई प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो, ये सुनो, बस वो करने का है। अगर मैं बताता रहूंगा आपको, गुलाब जामुन है देखो ऐसे होता है, लाल होता है और बड़ा अच्छा, तो स्पंजी होता है और खाओगे तो बड़ा मजा आता है उसमें, नहीं, करके देखना पड़ेगा, राइट? ठीक है, इसीलिए अपने कर्मास के प्रति सजग हो जाओ, ये समाधि के थ्रू ही जा सकते हैं। पिछले 3 महीनों में हमने, सबने, जितने भी सब लोग बैठे हुए इंक्लूडिंग योर टीचर, राइट, सबने एक बुरा कर्म किया है जरूर, पक्का बताऊं? बताऊं, बुरा तो नहीं मानोगे? हमने घर बैठे सैलरी ली है, सबने घर बैठे सैलरी हम सबने ली है, काम नहीं किया, ये सुनो। तो इससे पहले कि ये कर्मा आपके अकाउंट में रजिस्टर हो, तुरंत कोई वे आउट निकालो, तुरंत कुछ अच्छे काम करो, ताकि इससे ये न्यूट्रलाइज हो जाए, राइट? ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाना शुरू करो, राइट? या कोई ऑलरेडी पढ़ा रहा है, गरीब बच्चों का स्कूल है, उसमें जाके डोनेशन दे दो, इजंट इट? और अपने नाम की इच्छा रखो मत, ठीक है ना? और डोनेशन भी सही वाला देना, ये नहीं कि 400-500 रुपए दे दिए, हाँ, सैलरी तो हमारी 1-1 लाख 2-2 लाख है, डोनेशन भी थोड़ा सा बढ़िया वाला, कर्म है देखो, यस, कुछ भी करो, इस देश में तो इतना, इतने अपॉर्चुनिटीज हैं अच्छे कर्म करने की भाई। तो कल मैं आपको बताना भूल गया था कि एक कर्म हम सबने किया हुआ है, 3 महीने की सैलरी, कई लोगों के अगर देखा जाए तो 5-5 लाख रुपए बनती है 3 महीने की सैलरी, राइट? 5 लाख रुपए बिना काम की अगर कोई लेगा तो सबसे बड़ा करप्शन है दुनिया में, मेरी नजर में, ये सुनो। करप्शन वो नहीं कि आप पैसे लेते हो, गवर्नमेंट वाले रिश्वत लेते हैं, करप्शन वो नहीं है, करप्शन वो है सैलरी लेके काम ना करना, तो सारे करप्ट हैं, यस। मुझे भी नहीं लगता कि मैं अपना अपनी सैलरी को जस्टिफाई कर पाया हूंगा, मुझे और ज्यादा करना चाहिए था। सो जस्ट हैव दिस फेथ एंड बाय बाय, सी यू। ये हमारी लास्ट इंटरेक्शन थी, इसके बाद हम सुदर्शन क्रिया कोर्स में ही मिलेंगे, राइट? अगर आपको कोई दिक्कत है, कभी कोई भी आपको लगे मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, नंबर आपके पास है, हाँ, बेक खटक व्हाट्सएप करें मुझे कभी भी, आई रिप्लाई यू विद इन 5 मिनट्स पक्का। बाय बाय, सी यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू शेफाली मैम, हाँ, आपने इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया सबको, राइट? सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं हम, क्योंकि आपकी वजह से इस कार्यक्रम को हम कर पाए, और पूरा मुझे ऐसा लगता है कि यही एक सुबह का बॉन्डिंग सेशन जो है ना, दे हैव एंजॉयड द मोस्ट एंड देन ऑल द थेरेपीज दैट दे हैव डन, जैसे ECA भी है, चाहे पास्ट मेमोरी डिलीशन है, कल भी हमने बात करी, हम रोज ध्यान भी कर रहे हैं, आई थिंक यही जो वर्कशॉप्स हैं, कहीं कहीं हजारों में ये बाहर जाके अटेंड करते हैं एक आदि, तब भी वो असर नहीं ले पाते, यहाँ पर सिनर्जेटिक इफेक्ट इन्हें मिल रहा है कि सुबह वी आर डूइंग द योगा, देन वी आर मेडिटेटिंग रिलैक्सेशन, एंड देन डूइंग ऑल दीज काइंड ऑफ थेरेपीज,
मुझे ऐसा लगा जैसे कि एक पूरा पैकेज हमें ना मिल गया और ये हफ्ता बहुत ही एनर्जेटिक, बहुत ही खुश, बहुत ही स्माइलिंग वाला और बहुत ही रिलैक्सिंग गया है. एंड वी होप दैट कि यही चीजें इट शुड कंटिन्यू विद ईच एंड एवरी वन ऑफ अस एंड दीज ब्लेसिंग्स ऑफ योर्स एंड गुड पीपल रिमेन्स विद अस. एंड आपने ये बात बिल्कुल सही कही है सर कि हम जो कमाते हैं उसका हमें जस्टिफिकेशन करना होता है, वरना ये भी हम कर्म अर्जित कर लेते हैं, अपने संचय करते चले जाते हैं जिसको आज नहीं तो कल भुगतना तो हमें पड़ता ही है. तो इसलिए आप सब लोग खुश रहें और मुस्कुराते रहें, स्माइल के साथ योगा करते रहें, रिलैक्स करते रहें. और सर ने आपके साथ अपना मेल आईडी और नंबर शेयर किया है. आपको अगर ऐसा लगता है कि यू वॉन्ट टू ज्वाइन अदर कोर्सेज विद हिम सो यू कैन कॉन्टैक्ट हिम. और मैं आज का हमारा लास्ट डे है सर, आज हमारा वैलिडिटी है. आई विल रिक्वेस्ट यू टू ज्वाइन अस, हम 11 बजे करीब शुरू करेंगे अगर आपके पास समय हो तो. आई नो दैट 11 बजे वो आपको मैंने कल शेयर किया था. आज फैक्ट चेकिंग पे गूगल की तरफ से वेबिनार है, आई एम द मेन स्पीकर इन दैट. आपको मैंने शेयर किया था कल शायद, है ना, कल आया हुआ रात को. हाँ ठीक है. पर फिर भी मैं आपका बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी, सारी टीम का करना चाहूंगी. रेणु गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं. हाँ हाँ यस, रेणु आंटी भी चाहती हूँ जी. हम सब लोग इनसे प्रेरणा ले सकते हैं. शी कैन बी एन इंस्पिरेशन टू ईच एंड एवरी वन ऑफ अस दैट दिस इज हाउ वी कैन रिमेन हैप्पी एट एनी स्टेज ऑफ आवर लाइफ. It is not a matter of age, circumstances, situations. It's solely a matter of choice. That she has made this choice and we can also make it as our choice. Thank you so very much, ma'am, for joining us. Hum aapka bahut bahut aabhaar prakat karte hain, bahut bahut abhinandan karte hain ki aap hamare saath jude. Main Mahavir ji ka bhi dhanyavaad karna chahungi, and Singh ji ka bhi dhanyavaad karna chahungi. आज भी हमारे साथ विजय सर जुड़े हुए थे, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ. टू द एंटायर टीम, दोज हु हैव जॉइंड अस एंड दोज हु हैव गिवन अस दीस मेनी गुड सेशंस, थैंक यू सो वेरी मच सर. वैसे मैं यहाँ एक चीज और लास्ट में ऐड करना चाहूंगी कि यही जो ये जो ईसीए थेरेपी सर ने करवाई है, ये सर की एक कॉपीराइट थेरेपी है जिसके ऊपर कॉपीराइट भी मिला है. सर की और भी कई सारी चीजें हैं जिनको सर ने कॉपीराइटेड करवाया हुआ है. ये भी एक टेक्निक उसमें से है which has gone through a process of evolution for last 15 years and then this therapy was defined by him, was given by him. So and पर हमें ऐसा लगता है कि जब हमें कोई चीज मिल जाती है तो हमें शायद उसकी वैल्यू ना हो, बट डू वैल्यू दीज थिंग्स, क्योंकि जब ये नहीं होती है तब हमारी जिंदगी क्या थी, और जब ये हमें मिली अब हमारी जिंदगी क्या है, इससे इसकी वैल्यू करिएगा और कोशिश